केंद्र और यूपी सरकार शिक्षा को बेहतर करने के लिए लाख दावे कर रही है और करोड़ों रुपए भी खर्च कर रही है, लेकिन अभी भी सरकारी स्कूलों की हालत में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा। दरअसल पूरा मामला यूपी के जनपद हापुड़ का है, जहां नगर के हमीद कन्या प्राथमिक पाठशाला नगर क्षेत्र हापुड़ में 106 छात्रा है। सभी छात्र मौत के डर के साए में पढ़ने को मजबूर है। भवन के कमरों की छत की हालत खास्ता हाल है, यह छतें कभी भी ढह सकती है। यही नहीं, जर्जर छत छिपाने के लिए रंगाई पुताई भी कराई गई है, फिर भी हालत छिपाए नहीं छिप रही। जब हमारे संवाददाता ने पाठशाला में जाकर देखा तो हैरान कर देने वाला सच सामने आया है। करीब 106 छात्र अपनी क्लासों के बाहर धूप में बैठकर पढ़ रहे थे, जिनको पीने तक के लिए पानी भी नहीं था। क्लासों की हालत ऐसी हो चुकी है कि वह कभी भी गिर सकती है। वहीं जब इस बारे में शिक्षकों से पूछा गया तो शिक्षकों ने बताया कि पाठशाला की जर्जर हालत के बारे में विभाग को कई बार बताया जा चुका है, लेकिन अभी तक विभाग द्वारा कोई पहल नहीं की गई है, जिससे मजबूरन उन्हें बच्चों को जर्जर छत के नीचे बैठाकर पढ़ाना पड़ रहा है। पेश है हापुड़ के संवाददाता अंकित गौतम की खास रिपोर्ट। और संज्ञान में एडीएम साहब ने बात की है उनसे फोन पे, और साहब ने कहा है कि संज्ञान में आ गया है, जांच की जा रही है और शीघ्र ही इसका समाधान कर दिया। हमें के लिए पाठशाला की जैसे जर्जर बिल्डिंग है तो बच्चे जो डरे डरे उसमें पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या संज्ञान लिया गया है? नहीं, वो संज्ञान लिया गया, अब शिफ्ट कर दिया जाएगा शीघ्र ही इसको, जैसा भी शासन का आदेश होगा, प्रशासन का आदेश होगा और डीएसए साहब का जैसा होगा, शीघ्र ही हम उसको शिफ्ट करा देंगे। क्या नाम आपका? मोहम्मद रेहान। मिरयान जी, कौन सा स्कूल है ये? हमीद कन्या पाठशाला प्राइमरी ढापा। तो आप बाहर क्यों बैठे हैं क्लासों से? क्लासें टूटी पड़ी हैं, डर लगता है बैठने में, इसलिए दर्जे में बाहर बैठाते हैं। तो कैसी हालत है क्लासों की? क्लासें टूटी पड़ी हैं, हमें डर लगता है कभी ईंट गिर जाए हमारे ऊपर। अंदर कमरे टूटे पड़े हैं और सर जी डर के मारे हमें यहाँ बिठाते हैं, हमें डर लगता है अंदर बैठने में, इसलिए हम सर जी हमें यहाँ बिठाते हैं। जब पानी भरता है तो छतों में से पानी भी छूटता है। तो कमरों की कैसी हालत है? कमरे बिल्कुल झरझर हुए पड़े हैं, छतें जी का जी है चटकी हुई है, कभी कभी ऊपर से पत्थर भी गिर जाते हैं।